स्वागत है आपका केवीडी न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र प्रसाद यादव, आप देख रहे हैं केवीडी न्यूज। आज हम आरबीएस किसान मजदूर इंटर कॉलेज अकोड़ा मछली शहर जौनपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर नवयुवक एकता शिविर नारायण सेना का सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हुई है और यहाँ पर जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष शिक्षक संघ लाल बिहारी यादव जी और आशुतोष सिन्हा जी और कपिल देव मौर्या जो कि जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी हैं और पूर्व विधायक राज नारायण बिंद जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ननकू यादव नेताजी और यहां पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला महासचिव योगेंद्र यादव जी और जिला पंचायत सदस्य विजय शंकर बर्फी जी और बहुत सारे यहां पर नेता लोग यहां पर उपस्थित हैं और यहां पर काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हुई है और आपको यहां पर दिखाते हैं। हमारे एक शिक्षक साथी कह रहे थे सही बात है, जो भर्तियां हो रही हैं विश्वविद्यालय स्तर पर हो रही हैं और उन भर्तियों में भी लगातार और उन भर्तियों में प्रदेश की सारी भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार क्योंकि जो कि कपिल देव मौर्य जी कह रहे थे कि राजनीतिक मंच नहीं है, बहुत राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बातें आ गई तो बात होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानकार हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए और देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो लगातार जैसा आदरणीय राज नारायण बिंद जी कह रहे थे जो हमारे पीडीए समाज के लोग जो उपेक्षा कर रही है। आप अगर हम बात करें देश में लोकतंत्र के मंदिर की अगर बात किया जाए तो अगर हम देखा जाए तो जब हमारा नया लोकसभा बनी तो लोकसभा के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आप ही के पीडीए परिवार के सदस्य थे। आज आपको सोचना होगा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया अयोध्या में और अयोध्या चुनाव हार भी गए और वहां भी हमारे देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। हमें और आपको सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नफरत की राजनीति करती है। हमें और आपको सोचना होगा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किस तरह से सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। मुझे याद है कन्नौज का चुनाव चल रहा था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से प्रत्याशी थे, एक मंदिर में दर्शन करने गए, हम लोग भी साथ गए थे। वहां से निकल के आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को पानी से धोने का काम किया था। क्यों धोने का काम किया था? क्योंकि वो पीडीएस परिवार के सदस्य हैं और हमें ऐसा लगता है कि जब मौका मिला विधान परिषद में, क्योंकि सत्यनारायण जी पत्रकार भी हैं, पत्रकारों की बातों को बहुत मजबूती के साथ, चाहे वो आप लोगों के कैशलेस इलाज की बात हो, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा समुदाय है मुझे ऐसा लगता है जो लगातार दूसरों को वो पहुंचाने के लिए कि किस तरह से सच्चाई को सामने लाने के लिए कई बार बड़े बड़े माफियाओं से लड़ना पड़ता है, कई पत्रकारों के साथ हमले हो जाते हैं और अपने सुबह से रात तक वो पत्रकारिता करते हैं, अपने बच्चों को देख नहीं पाते कि किस क्लास में पढ़ रहे हैं, जानकारी नहीं हो पाती और लगातार समाज की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे पत्रकारों के लिए हम लोगों ने बात की पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, ये विधान परिषद मैंने उठाने का काम किया था। हमने उठाने का काम किया कि कैशलेस इलाज होना चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए भी कहा, पत्रकारों के लिए भी कहा कि आप सबके इलाज के लिए पत्रकार जब बीमार होता है तो उसकी मदद नहीं हो पाती, उसको सरकार को कम से कम 20 लाख रुपए उसके परिवार का कैसे इलाज करे इसकी व्यवस्था सरकार करे, इसको भी मैंने सदन में उठाने का काम किया था। और जिस तरह से बात हो रही है सही बात है, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती रही हो, चाहे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती रही हो, हर जगह पिछड़ों का हक मारने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इसको भी मजबूती के साथ विधान परिषद में उठाने का काम और लड़ने का काम हम दोनों लोग मिलकर करने का काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबने प्यार और सहयोग देकर हमें विधान परिषद भेजा है और जब लड़ाई रही हो, चाहे वो वित्तहीन शिक्षकों की रही हो, शिक्षा मित्रों की रही हो, पुरानी पेंशन की रही हो, चाहे अनुदेशकों की रही हो या हमारे किसान भाइयों की रही हो कि कैसे उनकी आय दोगुनी हो जाए, कैसे अधिवक्ताओं की बात हो, चाहे हमारे पत्रकार साथियों की बात हो, हर बात को मजबूती के साथ विधान परिषद में हम लोग रखने का काम करते हैं, सरकार को घेरने का काम करते हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2027 में जब सरकार बन जाएगी है वो सारी समस्याएं हम लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से विनती करके दूर कराने का काम भी करेंगे। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सत्यनारायण भाई जिस उद्देश्य से आपने भाई देता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है, जो आप लड़ना चाहते हैं, जो सबका सहयोग करना चाहते हैं, उस लड़ाई में हम सब भी आपके साथ हैं और आप ये
मान लीजिए और ध्यान लीजिए, हम लोग भी आपके पदेन सदस्य हैं, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी सदस्य बनकर रहेंगे। जब आप याद करेंगे, जहां याद करेंगे, आपके हर संघर्ष में, आपके हर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आपका ये भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप याद करेंगे 12 महीना 2400 घंटा आपके संघर्ष में, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करूंगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि जी को भी देर हो रहा है और हमारे नेता विरोधी दल जी, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपकी नारायण सेना जिंदाबाद।